नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज की मॉर्निंग हुई है, तो रात को हम अपने फ्रेंड के रूम में रुके थे। तो आज सुबह सुबह उठे हैं, आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। बारिश हो रही है, दो दिन से लगातार हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो आप देखते रहिए, आपको चाय का नज़ारा दिखा रहे हैं। ये सामने सब्जी मंडी है। और ये पोस्ट ऑफिस है। तो भाई लोगों, सीन ये हुआ कि जहाँ पे हम जिस रूम में बैठे थे वहाँ पे बारिश लगातार, आपको मालूम ही है, तीन दिन से बारिश हो रही है, बूंदा बूंदी हो रही है। तो वहाँ के ही पानी भर चुका था छत पे, तो हल्का सा पत्थर वहाँ से खिसक गया था, तो वो नीचे गिर गया है। तो उस वजह से हम वहाँ से निकल आए हैं। अभी हम मंडी में खड़े हैं शेड के नीचे। बारिश बहुत जोरों से हो रही है, आप देख सकते हैं। जैसा कि अभी हम वहाँ से निकल आए हैं, तो बारिश रुकती है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, जब जाते हैं। अगर नहीं रुकी तो फिर ऐसे ही बारिश में जाना पड़ेगा। तो हम अभी मंडी में हैं, हम वापस आते हैं। तो भाई लोगों, आ तो हमारी न्यूज़ बन जानी थी। लोग वैसे ही दुआ मांगते हैं, इनको पतंग किया जाए, इनको मारा जाए। उनकी मुराद तो सुनी ली थी भगवान ने आज, मगर फिर भी चलो थोड़ी बहुत ग्यारह बचत रहेगी। अभी हम हैं, यहीं पे हैं, अभी उनके मंसूबे पूरे नहीं हो रहे हैं, अभी टाइम लगेगा उनके मंसूबे पूरे होने में। तो भाई लोग मार्केट में आए हैं सामान लेने के लिए पवन जी के पास, और अभी जा रहे हैं वहाँ पे, अमरूद खा रहे हैं। देखिए कैसे लाल लाल अमरूद है।
ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੋ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਣੇ ਪਾਣੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ ਉੱਧਰ ਜਾਵੇ ਇੱਧਰ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਘੰਟਾ ਪਾ ਕੇ ਖੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਵੀ ਗੱਟੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਚੋੜੇ ਹੋ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਕੀੜਾ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਨਾਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਬੁੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਤੋ ਫ੍ਰੈਂਡ ਈਵਨਿੰਗ ਕਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਚਿਕਨ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਹਮ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਹਮਨੇ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਆ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੇ ਕੁਛ ਹਮ ਸੁਬਹ ਗਏ ਥੇ ਕੁਛ ਸੁਬਹ ਲੈ ਆਏ ਥੇ ਤੋ ਜੋ ਸਮਾਨ ਅਭੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੋ ਲੈ ਕੇ ਆਤੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਚਿਕਨ ਸੈਂਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ फ्रेंड रात के 11 बज रहे हैं अभी हम अपने फ्रेंड के साथ रूम पे थे तो उन्होंने किसी से पैसे लेने थे तो उनका फ़ोन आ गया पेमेंट लेने के लिए तो उन्होंने हमें बुलाया था तो हम एक्टिवा पे जा रहे हैं अभी रात को पैसे ले आए हैं हमसे तो अभी हम पैसे लेके वापस घर की तरफ जा रहे हैं अपने फ्रेंड के रूम पर तो नाइट वहाँ पर गुजारेंगे सुबह फिर घर पर आएंगे तो चलिए फिर आज का भी लोग समाप्त करते हैं मिलते हैं कल सुबह के नए ब्लॉग में बने रही हमारे साथ देखते रहिए वीडियो देखो जय हिंद।